बदलने का कोशिश है कि भोजपुरी को नवाज मिले, भोजपुरी को बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिले, बस उसी का प्रयास हमारे रोशन सर हम सब कलाकारों ने मिलकर की। आप प्यार प्लेस दीजिए, मुझे निकलना होगा नेपाल जाना है, आधा ईरान और आधा इंडिया, अब बिहारी हो गई। केसारी सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया तो हाँ बस कर लिया। ये तो मेरी पहली मूवी है भोजपुरी में, तो इतना अच्छा रिस्पांस देखकर, इतनी पब्लिक की भीड़ देखकर खेसारी लाल जी के लिए उसमें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं बाहर और क्या भीड़ उमर रही है। नमस्कार, स्टूडियो न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक और मेरे साथ इस वक्त भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल मौजूद हैं। ये अपनी फिल्म रंग दे बसंती के प्रमोशन के सिलसिले में आए हैं। खेसारी जी, तैयारी में आप आए हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, दर्शक आपके लिए बहुत बेकाबू है। बस आपने सिनेमा देखा है तो आप अपने तरफ से प्लीज प्रतिक्रिया लोगों को बताइए कि सिनेमा बहुत प्यारी है, और जो आपको लगी वो जरूर प्रतिक्रिया बताइए, जो अश्लीलता का हटाने वाला चीज कि हमने एक बेहतर सिनेमा की है, और मुझे तभी हम फिर से बात करेंगे। और एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा जगत की जो है बहुत बदनामी होती रही है, आप इस फिल्म के जरिए क्या कुछ नया बदलने का कोशिश है कि भोजपुरी को नवाज मिले, भोजपुरी को बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिले, बस उसी का प्रयास हमारे रोशन सर हम सब कलाकारों ने मिलकर की। आप प्यार प्लेस दीजिए, मुझे निकलना होगा नेपाल जाना है। मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो आप कर रहे हैं वो ट्रेमेंडस है। एक साथ 250 से ज्यादा सिनेमा घरों में आपने रिलीज किया है। 265 मैंने नहीं बल्कि हमारे प्रोड्यूसर का प्रयास, हमारे रोशन सर का प्रयास है, उन्होंने बहुत मेहनत की। जो लोग बोलते थे ना कि यार थिएटर अच्छा नहीं मिलता, तो आज हमारे अभिषेक भैया को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा थिएटर बनाया, और जब बोले कि भाई मैं ये 100 के लिए दिया था लेकिन लोगों का प्यार जो मिला तो मैंने 150 दे दिए भोजपुरी को, तो ये प्यार जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो मैं शिकायत थी लोगों की कि अच्छे थिएटर नहीं है, तो अब तो अच्छे थिएटर भी हमारे पास आ गए, तो अब हमें आना चाहिए और अपने भाषा को प्रमोट करना। एक जो है जो लाखों दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप अपने पूरे हीरो हीरोइन जो है जो आपके इस फिल्म में है वो लोग भी आपके साथ है, ये कौन सी अदाकारा है, क्या रोल की? आयना खान है, ये ईरान है बट इंडिया में ही रही है, तो आधा ईरान और आधा इंडिया, अब बिहारी हो गई। तो प्लीज बिल्कुल, तो ये जो फिल्म की अदाकारा है ये हमारे साथ हैं, आप ईरान से हैं? नहीं, मैं इंडियन ही हूँ, मेरे आंट सिस्टर्स वाले, मैं पुणे में पैदा हुई हूँ और शुद्ध इंडियन हूँ। आप भोजपुरी जानते हैं? मेरे को लैंग्वेज नहीं आता है क्योंकि मैंने हिंदी में डायलॉग एक बात कर लेने दीजिए, हमने तो जबरदस्त मूवी लगाई है। तो मेरे सिर्फ गाने भोजपुरी में थे और केसारी सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया तो हाँ बस कर लिया। जी, जो फिल्म की हीरोइन है वो इस वक्त साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म का प्रमोशन के सिलसिले में आप आई हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो मेरी पहली मूवी है भोजपुरी में, तो इतना अच्छा रिस्पांस देखकर, इतनी पब्लिक की भीड़ देखकर खेसारी लाल जी के लिए उसमें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं बाहर और क्या भीड़ उमर रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही अच्छा काम करें भोजपुरी में, और आप लोग मुझे प्यार दें और अपना आशीर्वाद बरकरार रखें। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इन सीसीटीवी कैमराज में कि किस तरह से जो ये भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं इनको देखने के लिए जो है भीड़ जो है एकदम पागल हुई है, और ये पूरा जो है बाहर का जो मंजर है वो आप इस सीसीटीवी कैमरे में के जरिए देख रहे हैं, और भोजपुरी फिल्म के बड़े स्टार माने जाते हैं ये जो है खेसारी लाल। हालांकि ये जो फिल्म रंग दे बसंती है ये थोड़ी सी देशभक्ति मूवी के रूप में देखने को मिल रही है, और इसमें जो संवाद है उसमें बहुत सारे हिंदी के संवाद भी हैं, तो हमने खेसारी लाल से, हालांकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, आसपास सेल्फी लेने वालों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग जो है सेल्फी लेना चाह रहे थे, तो इस बीच अभी हमारे पास जो है खेसारी लाल की जो पहली मूवी आई थी उसके जो डायरेक्टर हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, खेसारी लाल की पहली मूवी के आप डायरेक्टर हैं, आज तो शिखर पे पहुंच गए हैं खेसारी जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा बच्चा है वो शिखर पे पहुंचा है तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह से तरक्की के पायदान पे आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं उसके साथ।
आप इस मूवी में या फिर इनकी टीम में किस तरह से अभी इन्वॉल्व? मैं डायरेक्टर हूँ, इस फिल्म का भी डायरेक्टर हूँ। इस फिल्म के भी आप ही डायरेक्टर हैं? नंदे बसंती। नंदे बसंती, ये जो मूवी है इसका मैंने ट्रेलर देखा है, ये ऐसा लग रहा है कि जो है जैसे भोजपुरी फिल्मों में आमतौर से देखा नहीं जाता था, ये साउथ का कुछ चीज़ें जो है आपने पुट करने की कोशिश की है, वो पहाड़ों में और जो जहाँ पे बर्फ गिरते हैं वहाँ पे ये इस फिल्म की शूटिंग हुई। नहीं तो साउथ का नहीं है, हमारे कहानी में उस चीज़ का रिक्वायरमेंट था। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो फौजी है, कश्मीर में पोस्टिंग है, इसीलिए कश्मीर है। जो जिस चीज़ की जरूरत थी वैसे हमने दिखाया है, जिसके कारण शायद भोजपुरी में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। भोजपुरी बजट के कारण ऑथेंटिक शूट नहीं हो पाता है, बॉर्डर भी दिखाना है तो आदमी कहीं छत्तीसगढ़ में जाकर फिल्म सिटी में शूट कर देता है, गुजरात में बॉर्डर। तो हम लोगों ने वैसा नहीं किया, बॉर्डर एक्चुअली बॉर्डर लगना चाहिए। हमारा हीरो अगर पोस्टिंग कश्मीर में है तो कश्मीर दिखनी चाहिए। हमको अगर हनुमान जी का गाना करना है अयोध्या के राम के पौड़ी में तो हमने वो भी किया है। तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। प्रोड्यूसर का दुस्साहसिक था, उन्होंने बोला कि जो चाहिए वो मैं मुहैया करूंगा, उन्होंने करवाया, जिसके कारण आज कैनवास इतना बड़ा दिख रहा है। जो आपको लग रहा है कि साउथ जैसी फिल्में हैं, हिंदी जैसी फिल्में हैं, तो ये क्रेडिट प्रोड्यूसर को जाता है, उन्होंने सारी चीज़ें मुहैया कराया जो एक बेहतर फिल्म बनाने के लिए ज़रूरत होती है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में जो क्रिटिसाइज होता है वो है अश्लीलता को लेकर के, जिस तरह से गाने, फुहड़ गाने और तमाम चीज़ों का जो मिक्सअप होता है, जो 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 ड्रेसिंग सेंस या जो भी उसमें एक्ट होता है, तो उस पर जो कंट्रोवर्सी होती है, क्या ये फिल्म उन सब चीज़ों से अलग है? तो ये बातें हम कहेंगे तो जस्टिफाइड नहीं लगेगा ना। आपकी भी एक दायित्व तो बनती है कि भाई आप फिल्म देखें और देखिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि हमारी फिल्म में अश्लीलता तो दूर की बात है, किसी भी फीमेल कैरेक्टर का क्लीवेज या कोई भी अंग दिख जाए उस तरह से, या शॉट में आपको लस्ट दिखे कि भाई ये इसमें इस तरह का दिखाने का प्रयास किया गया है, तो मैं खेसारी का भी जिम्मेदारी लेता हूँ। तमाम इस फिल्म से जुड़े हुए सारे लोग, हम लोग इंडस्ट्री छोड़ देंगे। तो फिल्म साफ सुथरी है, और ये इल्जाम लगाने वाली जो बात है वो घिसी पिटी ट्रैक है। एक ही कैसेट चल रहा है वो 2006 से, अभी पूरी भोजपुरी सुधर गई है। और ये माइंडसेट आप लोग को पहुंचाना पड़ेगा ऑडियंस तक कि भोजपुरी अब पहले जैसा नहीं रहा, ना अश्लीलता है ना कुछ है, पूरी पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, सबके प्राइस फिल्म है। ये जो है इसमें हिंदी के संवाद भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा है। मूवी तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये देशभक्ति मूवी है और इसमें हिंदी के भी संवाद हो रहे हैं। हिंदी के संवाद इसलिए हो रहे हैं कि हमारा हीरो फौजी है, जब फौज में जाएगा तो फौज में सारे प्रांत के लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे भोजपुरी भाषी मिलेंगे, वो भोजपुरी में बात करेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि फिल्म को ऑथेंटिक दिखाने के लिए हमने जो प्रयास करना था, जो चीजें करनी थी वो किया। एक फौजी जब फौज में रहेगा कश्मीर में, उसके पास भोजपुरी भाषी नहीं मिलेंगे, हिंदी भाषी लोग मिलेंगे, या देशवासी जो हमारे हिंदुस्तानी है, हमारा भाषा ही है हिंदी, तो उसी भाषा में बात करते नजर आएगा। एक चीज सर और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 265 जगहों पे पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया ये फिल्म रिलीज हुई है। जी, मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक है, इतना बड़ा डेयर आप लोगों ने जो किया है। ये डेयर में हमारा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर जो है रोशन सिंह जी, उनकी डेयरनेस है, उनकी मैं वही साहस नहीं कहूँगा, इसको दुस्साहस कहूँगा कि उन्होंने इंडिया का हर एक प्रांत में फिल्म को पहुँचाया है। भोजपुरी वाले को बहुत शिकायत रहती थी, अरे थिएटर में नहीं लगती है तो देखेंगे कहाँ, वो थिएटर में जा नहीं सकते हैं। तो इस बार हम लोगों ने हर एक जगह पे पहुंचाया है, जहाँ पे कोई भी एलिट क्लास के लोग भी जाके देख सकते हैं और जिनको फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर फिल्म नहीं देखते हैं तो फिर उनके पास सब नहीं रहेंगे तो अभियोग करने का। जी, पर कितना भरोसा है जिस तरह से लोग, ऑडियंस उमड़ रहे हैं, अभी तो कल ही रिलीज हुई है, क्या आपको लग रहा है जो स्क्रिप्ट है, जो जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, रिजल्ट कैसा आने वाला है? देखिए, खुद पे तो सबको भरोसा होता ही है और होना भी चाहिए। मैं फिल्म बनाया हूँ तो मुझे भरोसा होगा ही, और इस फिल्म से कुछ खासा ही ज़्यादा भरोसा है। बस भरोसा अब कहूँगा कि आप लोगों पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मीडिया बंधुगण है, वो लोग भी फिल्म को देखने के बाद जो आप रिव्यू करेंगे उसका असर अलग होगा, तब आप दिल से कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये फिल्म देखी है। जो मेरे दिमाग में था कि भोजपुरी
भोजपुरी अश्लील होता है या खेसारी लाल के गाने कुछ अश्लील, इसमें ऐसे ना कोई गाने हैं ना कोई सीन्स है ना कुछ है। तो इसी तरह से अगर आप भी भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सब थिएटर में आइए, इस फिल्म को देखिए और डेफिनेटली आपको मनोरंजन के साथ एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म देखने को मिलेगी। तो ये दावा है कि एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, और क्या इसका पब्लिक का आता है रिएक्शन जो मूवी देख करके आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए।